श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यस जो दायक बलचारु बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम चंद्र की बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ हमारे श्रोता बंधुओं, रामा कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष ध्रुव चरित्र की पावन कथा रखने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने देश के अंदर कैसे कैसे भक्त हो गए जिन्होंने बाल्यावस्था में ही प्रभु की प्राप्ति कर ली। तो आज ध्रुव चरित्र की पावन कथा हम रख रहे हैं आपके समक्ष। तो आज प्रभु चर्चा आरंभ करें, उससे पहले प्रभु का भक्त अपने प्रभु की प्रार्थना कर रहा है। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो। नाव डिगती है, नाव डिगती है भार बीच, बचा दो मेरे माधो, बचा दो मेरे माधो, नाव डिगती है समर में, बचा दो मेरे माधो, बचा दो मेरे माधो। दशा भारत की गिरती जाती है दिनों दिन, ये दशा भारत की गिरती जाती है दिनों दिन, यह दशा भारत की गिरती जाती है ये दिनों दिन, ये दशा भारत की। ब्रजेश बन के, ब्रजेश बन के तनिक हाथ लगा दो मेरे माधो, लगा दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो। नाव डिगती है, नाव डिगती है भंवर बीच, बचा दो मेरे माधो, बचा दो मेरे माधो, भंवर में बचा दो मेरे माधो, बचा दो मेरे माधो। हमारी बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो,
आदर्श बना दो मेरे माधो, अभिमन्यु का आदर्श बना दो मेरे माधो, भीष्म अभिमन्यु का आदर्श बना दो मेरे माधो, हमें भी स्वत्व का संदेश सुना दो मेरे माधो, ना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, हमारे बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, बिगड़ी हुई बात बना दो मेरे माधो, बना दो मेरे माधो, तुम्हारे आसरे गोविंद हम सदा रहते हैं, 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 इसी प्रकार से कुछ और निभा दो मेरे माधो, निभा दो मेरे माधो, कृष्णचंद्र भगवान की। चीर सी शयन जब करते थे कमलेश, सौपाधिक का समय हुआ सृष्टि आदेश, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रैगुण फैलाए, विष्णु की नाभि से कमल हुआ उससे ब्रह्मा जी प्रकट आए, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, स्वयंभू से उत्तान पाद धर्मज्ञशील संपन्न हुए, भगवान परमपिता परमात्मा वो जगदाधार प्रभु जब क्षीर सिंधु के अंदर शयन कर रहा था उस समय सृष्टि का आदेश हुआ, ब्रह्म का आदेश पाते ही माया ने अपने त्रैगुणों को फैलाना प्रारंभ कर दिया, भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी इत्यादि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के माध्यम से स्वयं हुआ मनु की उत्पत्ति हुई, इत्यादि पुत्रों की उत्पत्ति हुई, स्वयं हुआ मनु से स्वयं हुआ पैदा हुए, और श्रोताओं
स्वयंभू के द्वारा राजा उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई, यानी राजा उत्तानपाद जो धर्मज्ञ सीलवान महाराज उत्पन्न हुए संसार में, और जो महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए हैं, यानी महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा ही आज हम आपको सुनाएंगे कि भगवान परमपिता परमात्मा वो श्रीहरि जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं रह जाता, उसकी सहायता कैसे करते हैं। आइए हम सर्वप्रथम आपको महाराज उत्तानपाद के जीवन की तरफ ले चलते हैं कि उनके जीवन काल में कैसा लेखा जोखा है, उनकी पर्सनल जीवन लाइफ कैसी है, उनका पर्सनल जीवन कैसा है। सर्वप्रथम श्रोताओं, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया, पहली औरत, तो क्या आप विचार करेंगे कि उनकी दो औरतें थी? हां, अभी तो पहली ही है, आगे दो होंगी। आइए हम आपको पहली नारी का परिचय दे रहे हैं। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनी तो कहलाती थी। पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी, वह फूलों की सैया वाली, वह फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती थी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में गणित मान थी, उनका नाम क्या था? रानी सुनीत, सुनीत सुंदर नीति वाली। पटरानी का पद उसे प्राप्त हुआ था, लेकिन श्रोताओ मनुष्य वही है जो बड़े से बड़ा पद पाकर भी अपने हृदय में अभिमान न लाए, और जब अभिमान आ जाता है वहीं से व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। आज पटरानी का पद पाकर के भी रानी सुनीति अपने मन अपना तन अपनी सेवा अपने पति उत्तानपाद के प्राणों पर निछावर करती थी। हे भारत की देवियों, हे भारत की माताओं, मुझे केवल यहां ध्रुव चरित्र की कथा ही नहीं सुनानी है, बल्कि मुझे भारत की माताओं आपको थोड़ा सा यह भी बताना है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, स्त्री का कितना कर्तव्य है, बस थोड़ा सा आपको यह भी समझाना है, और आप किस हालत पर पहुंच गई हैं यह भी हमको थोड़ा सा दिखाना है। उस ईश्वर की सृष्टि में हैं सब जीव स्वतंत्र, पर बन बैठी हो तुम्ही कर्मों से परतंत्र।
उस ईश्वर की सृष्टि में, उस श्री हरि की रचना में सारे जीव स्वतंत्र हैं, ऐ मेरी भारत की देवियों। लेकिन आप ही अपने कर्मों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ चुकी हो। जरा याद करो, वो अपना जीवन, वो अपने देश का समय, अपना कर्तव्य, आप वो ही माताएं हैं, आप वो ही बहने हैं। याद करें अपना जीवन, तुम वाही हो जो कुछ दिन पहले धर्मों की रक्षा करती थी, तुम ही हो, तुम ही हो जो अपने सत पर ज्वाला में जल कर मरती थी, पर देवाली हो चोरण में धूम मचाती थी, तुम ही तो वासुकुमारी हो जो हटकर तेज जलाती थी, ही वो हो जो धर्मों की रक्षा किया करती थी, तुम ही तो हो जो अपने सत्य की ज्वाला में जलकर मरा करती थी, तुम ही वो पर्दे वाली हो जो रण में धूम मचाती थी, अरे तुम ही तो वो सुकुमारी हो जो डटकर तेग चलाती थी। किंतु आज वो कहां है, कहां रहे वो काम, सत बल विद्या बल बिना पाया बुला नाम। किंतु आज वो बल कहां गया, आज वो समय कहां गया, आज वो मान मर्यादा कहां गई। आपने तो केवल अपना नाम एक अबला रख लिया। ईश्वर ने अगर थोड़ा बहुत आपको धन दे दिया, थोड़ी बहुत लक्ष्मी दे दी, तो बस आपने उसी दिन से अपने को लक्ष्मी मान लिया। लक्ष्मी, थोड़ा सा धन दे दिया ईश्वर ने तो आपकी इच्छाएं बढ़ गई, मनोकामनाएं बढ़ गई, आपका मनोबल कैसा हो गया, आपकी जिज्ञासाएं कैसी हो गई, अपना कर्म भूल गई आप और मन में विचार करने लगी क्या हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए। दासी पीसे पानी लाए, पड़ोसिन के घर में दासी है, नौकरानी है, पानी लाने वाला मनिहार है, रोटी बनाने वाली नौकरानी है, तो हमारे घर में भी कमी क्यों रह जाए। अगर 200 रुपए हमने बचा के रख लिए हैं तो नौकरानी हम भी लगाएंगे, आटा पीसने वाली हम भी लगाएंगे, एक खाना बनाने वाली भी होना चाहिए, दिल बहलाने के लिए कोई हमारे पास दिल चली सहेलिन होना चाहिए। केवल आपको शौक कौन सा रह गया है अपना कमरा सजाने का। हमारे कमरे में टीवी हो, हमारे कमरे में ये हो वो हो, फ्रिज हो कूलर हो, अच्छे अच्छे सौंदर्य प्रसाधन हो, केवल इस शौक रह गया आपका, श्रृंगार चित्र बनवाने का, सजने का, सजाने का, गाने का और बजाने का, यही आपका कर्म केवल बनकर रह गया। कौन सा? दासी पीसे पानी लाए, रोटी को एक रसोई में हो,
दिल बहलाने के, दिल बहलाने के लिए पास कोई दिल चली सहेलिन हो, कुछ ने पश्चिमी हवाओं में अपना वो साचा बना लिया, आह सत को पत को पानी देकर पति तक का पत्ता बना दिया, समझती हो अपना कृष्ण लेडी बन जाने में, लज्जा आती है आज तुम्हें भारत नारी कहलाने में, अफसोस तुम्हारा हरा बाग इस नए राज ने घास किया, थिएटर मोटर मास्टर डॉक्टर इस टर ने सत्यानाश किया, पर्दे में ये जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर भी तुम गोबर होती जाती हो, इन आरामों को स्वर्ग मान नर्क में आपको गिरा दिया, अफसोस तुम्हारे फैशन ने कुंती से कुत्ती बना दिया, हो तुम ये वरदान रहे सदा आजाद हम कभी न हो संतान। ये हमारे भारत की माताओं की देवियों की परंपरा रह गई, केवल जीवन का मकसद बन गया है, गिने चुने तीन ही काम रह गए, रोटी कपड़ा और मकान, क्या है तीन काम नारी को बस पीसे खाए फिर सो जाए, रो धोकर इतना काम फकत दिन से संध्या तक हो जाए। भैया पुतुराल, हाँ भैया, उठती हो दिन के 8 बजे, कभी देखा आपने अपने घर पर क्या होता, उठती हो दिन के 8 बजे संध्या होते सो जाती हो खर्राटे भरकर, घर में न बुहारी देती हो शाम को न दिया जलाती हो, वो धर्म कर्म तो दूर रहे अपनी तक तुम्हें संभाल नहीं, साड़ियां तेल में चिकट रही बांधे बरसों से बाल नहीं, खजलाती हो सिर खड़ी खड़ी, ध्यान दें श्रोताओं,
खुजलाती हो सिर खरी खरी, जुओं पर बाजी टूट रही, लग रहा मैल स्याही बनकर दुर्गंध बदन से छूट रही। भैया राम सिंह, 6-7 प्राणियों का घर है, दुर्गंध बदन से छूट रही, 6-7 प्राणियों का घर है, एक ही जान पर मर्दन है, भूखे कसाईयों के आगे मानो बकरे की गर्दन। बेचारे अकेले राम सिंह, खवैया 12, अकेले बकरे की गर्दन पर छुरी चल रही है। 8 पहर का समय तुम्हें आए, भारत की माताओं अपना विचार करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, 8 पहर का समय आपके पास है, अरे आप भी कुछ कार्य करें, घर घर में चरखे बनवा दें, इससे देश का उद्धार भी होगा। तुम सूत बांधने वाली हो, सब सूत इकट्ठे कर डालो, अपनी सतीत्व की शक्ति से भारत में बिजली भर डालो। अरे मेरी भारत की माता, उठो, वरना ये देश का पतन हो जाएगा, ये हिंदुस्तान एक दिन हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन न किया। माओ धाओ हाथ लगाओ, माओ धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माता धाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माता धाओ हाथ लगाओ, धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ हाओ, माओ धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ हाओ धाओ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माता हाओ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ। टूटी क्यों गृहस्थ की गाड़ी, औरत पीछे मर्द अगाड़ी, टूटी क्यों गृहस्थ की गाड़ी, औरत आगे मर्द पिछाड़ी, लगी अविद्याओं की बारी, भर गई झूठी शान, माओ धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ धाओ लगाओ, जाता हिंदुस्तान, माओ अरे माताओं पढ़ो, लेकिन अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने वेद पढ़ो, अपने पुराणों को पढ़ो, तभी तो अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र उत्पन्न होंगे, आपके गर्भ में पलने वाले बालक जिस समय वेद और पुराण सुनेंगे तो उनकी आस्था धार्मिक होगी, धार्मिक। पढ़ो मगर निज ग्रंथ उठाओ, उठाओ गजले संगीत मत गाओ, संगीत मत गाओ, पढ़ो मगर निज ग्रंथ उठाओ, पढ़ो मगर निज ग्रंथ उठाओ, गजले संगीत मत गाओ, संगीत मत गाओ, अपने पूतों को सिखलाओ, अपने पूतों को सिखलाओ, अपने पूतों को सिखलाओ, अपने पूतों को सिखलाओ, बने वीर बलवान, बलवान, घुमाओ 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 धाओ हाथ लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ माओ ध्यान लगाओ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ माओ ध्यान लगाओ, जाता हिंदुस्तान, माओ।
बना खिलौने लो अपने घर, बना खिलौने लो अपने घर, बना खिलौने लो अपने घर, बना खिलौने लो अपने घर। कब देखेंगे सब चीजों पर, देखेंगे सब चीजों पर, मेड इन मेड इन मेड इन हिंदुस्तान। माओ धाओ हाथ लगाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ धाओ हाथ लगाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ धाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ। घर घर में चरखे हो जारी, 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 बने तुम्हारे पति व्यापारी, बने तुम्हारे पति व्यापारी, देसी धोती देसी साड़ी, देसी धोती देसी साड़ी। लो बहनों सलमान हो माओ, हो माओ, हो माओ, हो माओ धाओ हाथ, गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ लगाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ लगाओ गिरता जाता हिंदुस्तान, माओ। राजा रानी सब तरे थे धर्मा के सुजान, फिर भी आधी उमर तक हुई नती संतान। भैया राजा उत्तानपाद और उनकी रानी सुनीति बड़ा ही आनंद पूर्वक अपना समय बिता रहे थे, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की बड़ी अजीब माया है। महाराज उत्तानपाद के यहां पर सब कुछ था, राज्य पाठ था, लेकिन आज उनके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, राज्य का दीपक कोई नहीं था। एक दिन रानी सुनीति जब आधी उम्र बीत गई, कहने लगी एक दिन अपने स्वामी राजा उत्तानपाद से, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल पर बट्टा लगवाया, इतने दिन तक संतान नहीं दुनिया भर हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हैं तो ये दासी बांझ कहती है। हे प्रभु, हे नाथ प्राणनाथ, हमारी आपकी आधी अवस्था बीत गई है और हमारे आपके यहां कोई संतान नहीं है, इस दासी ने आपके कुल पर बट्टा लगवाया है। ये सुनकर कहने लगे नीतिवान महिपाल, उसकी भ्रकुटी के तले जीवन और ये काल। देखो ऐ प्रिय, परमपिता परमात्मा ने जहां पर ये बनाया है संसार, जहां गुलाब का फूल बनाया है, तो उस गुलाब के फूल के नीचे कांटे भी लगा दिए। पंच भूत का ये शरीर बना हुआ है। देखो प्रिय, संसार में सुख के साथ में दुख लगा है, दुख के साथ में सुख, सुबह के साथ में शाम लगी हुई है, छोटे के साथ बड़ा लगा हुआ है, गोरे के साथ कलुआ लगा हुआ है, काला लगा है। तो सोचाओ ये तो संसार की नीति है। संसार में मैं निर्बल हूं तुम बांझ हो, ये केवल मन का भ्रम है। देना और हर लेना, चुप रहना, ये सब श्री हरि की लीला है,
श्री लीलाधर की लीला। तब सुनीत कहने लगी सुनिए प्राणाधार, है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार। मनुष्य को नाथ अपना कर्म करना चाहिए, हम कर्म भूमि में कर्मयोगी बनकर आए। वो कायर होते हैं जो अपनी किस्मत का दोष लगाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। जिन ढूंढा तिन कुआइयां गहरे पानी पैठ, मैं वैरन बूलन डरी रही किनारे बैठ। जो संसार सागर में कर्म सागर में कूद गए वो पार हो गए, और जो डर गए डूब जाएंगे वो किनारे बैठे रह गए। पार उतरने वाले कर्मयोगी अपना कर्म करते हुए पार उतर गए। नाथ हाथ पर हाथ धरे धर रहकर बैठ जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है आपसे। कहा कौन सी प्रार्थना? मेरी एक सलाह है, मेरा एक परामर्श है आपसे। कौन सा परामर्श देवी? इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब की चुप रहने दीजिए का, ब्याह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। अरे नाथ, यदि एक ब्याह से आप सफल नहीं हो सके तो क्या हुआ, आप दूसरा विवाह कर लें। दूसरा विवाह जब आप करेंगे तो आपके संतान होगी। ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, शोक मोह संकोच से कहा हृदय का हाल। अरे प्यारी क्या कह रही हो, हम दूसरा विवाह कर लें? अरे दूसरा विवाह करने से मेरी तो शादी होगी लेकिन तेरे घर की रानी बर्बादी होगी, बर्बादी। शायद तुझको नहीं मालूम है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। अच्छी एक ही बार तो आती है। मौत से 100-300 तरह बुरी जीवन भर हृदय जलाती है। तरफ निकलती है घर में एक भी ना रहती है। अरे प्राण प्रिय, तुम्हें शायद मालूम नहीं
संसार में जिनकी भी दो शादियां हुई उनका जीवन तबाह हो गया भैया पुतुलाल। हाँ भैया, बर्बाद हो गया। सही है। क्या जीवन? जीवन किसका? जिनकी दो शादियां हुई, हुए जिनके दो विवाह। भैया ढोलक मास्टर। हाँ भैया। ना ध्यान दें। हुए जिनके दो विवाह वे तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह, हुए जिनके दो विवाह वे तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए 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 जिनके दो विवाह वे तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह। जहाँ दूसरी आई नारी, जहाँ दूसरी आई नारी, विद्या बल विलासता सारी, विद्या सारी उसी मान प्राण तन धन जन सब कुछ खो गए, हुए हुए अरे जिस दिन दूसरी नारी घर में कदम रखती है, विद्या दौलत सुख सब उसी दिन घर छोड़कर चला जाता है, मान प्राण तन धन जन सब कुछ खो जाता है, समाप्त हो जाता है। पाला जबरदस्ती से पाला, पाला जबरदस्ती से पाला, मन मान का हुआ दीवाला, मन मान का हुआ दीवाला, लाज शक्ति का हुआ दीवाला, लाज शक्ति का हुआ दीवाला। जिस दिन से भैया राम सिंह दूसरी नारी आती है, लाज और शक्ति लोक और लाज घर की लाज का दीवाला निकल जाता है, दीवाला पता लगा पुरन को फटही धोती पहने और नई को मैडम बन के जा रही, क्या हुआ घर की इज्जत लूटने लगी। लाज शक्ति का हुआ दीवाला, 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 सोते ही खो गए, हुए जिनके दो विवाह वे तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह। जब तक जिंदा रहे तबाह रहे और मरने के बाद वो तबाह रहे जिन्होंने तुम्हें तबाह किया, मर गए बुद्धे होते मर गए, जवान बीवी विधवा हो गई, कितनी विधवाएं पछतावे, कितने विधवाएं पछतावे, कितनी बन विधमरणी जावे। भैया पुतुलाल। हाँ भैया। विधमरणी का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ समझ जाओ, पति मर गए विधवा और विधमरणी, पति राण हो गया, पति के ना रहने पर जच्चा बच्चा केंद्र चालू, बोलो हनुमंत लाल की। कितनी बन विधमरणी जावे, कितनी शिशु हत्या करवावे, कितनी शिशु हत्या करवावे, कितनी शिशु हत्या करवावे, कितनी शिशु हत्या करवावे, दा
दादा पोते सात पुस्तक अरे दागी हो गए। दादा पोता परपोता खानदान बट्टा लागवा भैया। दादा पोते सात पुस्तक दागी हो गए, हुए जिनके दो विवाह वे तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह। अरे रानी खबरदार, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब रानी कहने लगी नाथ आप हमारी चिंता ना करें, राजा कहने लगे रानी तुमको नहीं मालूम सवतिया रोष बड़ा खराब होता है भैया राम सिंह, सवतिया रोष सौत जो है वो बताते हैं भैया हम लोग, चून की सौत नहीं भली होती मिट्टी की, सपने में सौत आ जाए जान जाओ तब बड़ा कर देगी। तो कहा देखो रानी सवतिया रोष बड़ा खराब होता है, क्यों अपना बसा बसाया जीवन अच्छा खासा बर्बाद कर लेना चाहती। रानी ने उत्तर दिया सुनिए प्राणाधार, एक पुत्र के नाम पर है सब कुछ स्वीकार, इस राजा का इस राज्य का वारिस हो जाए उत्तराधिकारी मिल जाए, एक बेटे के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है, संसार के सारे दुख फीके लगते हैं एक पुत्र के आगे। नाथ आप विवाह कर ले, वो मेरी दूसरी बहन जब आएगी ना मुझको उससे क्या मतलब, मुझे तो अपने स्वामी के चरणों की दासी हूं, उनके चरणों से मतलब है। यदि वो दूसरी बहन मेरे खिलाफ भी कभी हो जाएगी तो मैं उस अपने को दासी मानकर उसका उसको रानी मानकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन कभी भी मैं आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगी, आप मेरा कहना माने दूसरा विवाह अवश्य कर लें। रानी के इस बात पर नृपत हुए मजबूर, सुरचि सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर, मजबूर हो गए राजा, बड़ी सुंदर नईको आ गई कौन सुरचि, उनका नाम क्या था सुरच, रानी सुरच से विवाह हो गया। आज सुरची आई और जब उसने सवतिया रूप देखा हाँ? मेरे सामने पुरानी वाली रानी सौत मनकर खड़ी है, खड़ी हो गई दरवाजे पर, चिल्लाकर कहने लगी ओ कपटी राजा, अरे मेरी बात ध्यान देकर सुन, जब तेरे घर में एक रानी पहले से मौजूद थी तो मुझको यहां क्यों लाया, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, या है भोगों के लिए या है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने लाए हो, अब इतना ही एहसान करो मुझको वापिस तो पहुंचा दो, तुम इसके साथ विहार करो मुझको पीहर में पहुंचा दो, इतना कहकर रानी डोली पर सवार हो गई। अरे पहले वाली प्रणिको ने देखा नई को तो द्वारा से जा रही हैं, बेचारी प्रणिको दहुरी आगे, नईको का हाथ पकड़ा ए मेरी बहन, देखा सुनीत ने अनुष्ठान
विपरीत दशा को जाता है। संगीत की रंगत बदल गई, आशा का तरु मुस्काता है। अरे मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो मेरा नाटक का पर्दा ही टूटा जाता है। जिस अंडे को मैंने आशा से पाला था वो अंडे ही फूटा जा रहा है। बोली रानी प्रेम से कर लिवास तब्दील, बहना गहना नारी का है लज्जा और सील। आओ अपने घर को देखो बहना, अरे ये घर का एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूं, ये सब धन धाम तुम्हारा है। ऊपरी टहल मैं कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। एक रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। ये बहना कहां जा रही है? देख हिसाब घर नहीं को तेरा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो दासी हूं, दासी टहली हूं, घर का काम काज कर लिया करूंगी बहना। बस जैसा तू कहेगी वैसे मैं करूंगी। देख और घर को छोड़कर मत जा, मैं पड़ी रहूंगी एक कोने में। एक रोटी खाने के लिए दिए जाना, बस मेरा जीवन इसी में कट जाएगा, यही मैं चाहती। इन वचनों से तेज में और बढ़ी दी ज्वाल। बोली तू किस जन्म की बनी हमारी है साल। अच्छा सुनो राजा, सुनो सुनो मझले, क्या कह रही है ये कुलवंती रानी? कुलवंती रानी क्या कह रही है? सुन लो राजन टुक कान खोल, ये कुलवंती क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर चूहा घर में रहती है। बूढ़ी बिलैया भगतिन बनकर और चूहा घर में रहना चाहती। कहती है कि मैं तेरा बच्चा खिलाकर अपना जीवन बसर कर लिया करूंगी। मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको मार हटाएगी। इसलिए मुझे या लौटा दो या बात मेरी मंजूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। घड़ी घड़ी अब नजर में गुजर रही है साथ, या तो इसे निकाल दो या दो मुझे तलाक। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो इसको हटाओ या मुझको रखो। मुझको रखो तो इसे हटाओ, इसे हटाओ तो मुझे रखो। श्रोताओ कथा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बात बता दें, कभी आपको अगर हमसे कोई पत्र व्यवहार करना है, अपने यहां कोई निजी उत्सव में प्रोग्राम करवाना है, बुलवाना है, तो आप हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 26 29 02। और यदि आपको कभी फोन के माध्यम से हमसे वार्तालाप करना है तो आप हमारा कोड व फोन नंबर नोट करें। कोड नंबर यानी स्टडी नंबर 058 71 यानी 05871 और फोन नंबर 34072 यानी 34072। तो श्रोताओ इस फोन के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज कहा महाराज घर में एक ही रहेगी, या इसको नईकों को रखो तो पुरनिकों को नहीं, पुरनिकों को रखो तो नईकों को नहीं। घड़ी घड़ी सब नजर में गुजर रही है साथ। आज कहने लगी बेचारी सुनीति निठुर बचन सुन सुरच के, अरे रोने लगी सुनीत। हाथ जोड़
कहने लगा हुआ बहुत विपरीत। हे बहना तू जैसे कहे, देख तू ये घर छोड़कर मत जा, तू जैसे कहे जिस प्रकार से कहे मैं अपना जीवन बसर करने के लिए तैयार हूं। कह तो मैं राज को त्याग दूं, कह तो जंगल में कुटिया बनाकर रहूं, कह तो ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन बहना देख तू यहीं रहे, तू इस घर को छोड़कर मत जा। कहने लगी सुरची है बिस्की आग, सुन अगर मुझको इस घर में रखना चाहती है तो मैं कैसे रहूंगी, तुझे मेरे कहने के हिसाब से रहना पड़ेगा। जाना है तो जा राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल, दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर, दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, पीसा कर और नित खाया कर, पीसा कर और नित खाया कर, देर भर जवान तो पाएगी, देख अगर तुझे मुझे घर में रखना है तो कैसे रहूंगी, जाना है तो जा राह पकड़, रहना है तो खेतों पर जा, वहीं पर एक झोपड़ी डालकर और तुझको रहना पड़ेगा, दिन भर तुझको चिड़ियां भगानी पड़ेंगी, दूसरे किसी खाली घर में एक चक्की रखवा दी जाएगी, रोज पीसा कर खाया कर, अगर इस प्रकार से तुझे रहना है तो रह वरना आगे बढ़ जा। ऐसे निष्ठुर वचन कर हुई सूरज जब बंद, तब सुनीत के हृदय में बढ़ा पूर्ण सानंद। बस बहना बस, इतनी सी बात पर इतना स्वांग रचाया, माथा अपना भी गर्म किया और पति का भी हृदय दुखाया है। आओ बहना उतरो, अपना घर देखो भालो, मैं रखवाली को जाती हूं, तुम अपना काम संभालो। जीवन धन जीवन हृदय, जीवन जीवन नाथ है, जीवन डोरी बंधी इस जीवन के साथ, होनी है अच्छी प्रभु इस अभिनय के बाद, दासी को आनंद से दीजिए आशीर्वाद, सियावर रामचंद्र की।